अभी हमारे साथ पायल वर्मा जी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस एग्जीबिशन में आके उनको कैसा लग रहा है। नमस्कार, थैंक यू नाई सादी न्यूज़ चैनल। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ स्टाइलिस्टा एट जमुना बैंक्वेट्स और ये एक बहुत ही शानदार मैं देख रही हूँ एग्जीबिशन अरेंज किया है दरक्षा और उसकी चैरिटेबल दरक्षा के फाउंडेशन ने, उसकी टीम ने बहुत ही बढ़िया काम किया और इतने स्टॉल्स, मैंने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, सम ज्वेलरी, आई कुंट रिजिस्ट, इतनी खूबसूरत चीज़ें मैंने देखी हैं दैट आई कुंट रिजिस्ट। वेल, दरक्षा को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि सुपर सक्सेसफुल इवेंट है ये, क्योंकि चैरिटी एक बहुत ही नोबल कॉज है और इस कॉज के लिए उसने एक छत के नीचे इतने लोगों को लेके आना एक बहुत ही मुश्किल काम थी। दिस इज़ अ सुपर सक्सेसफुल इवेंट, भीड़ बहुत है क्योंकि ये पूरा जो है चैरिटी के लिए है और मैं भी इसीलिए समय निकाल के आई हूँ क्योंकि दिस इज़ अ चैरिटी इवेंट। सो दरक्षा, ऑल द बेस्ट, ऐसे ही और करते रहो और सोसाइटी की मदद करते रहो। मैम, ये चैरिटी बेसिकली बच्चों के लिए, जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट है, जो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए है। तो और भी एनजीओज हैं, उनके लिए आप क्या कहिएगा मैम, जो इस तरह के फील्ड में अभी काम नहीं कर रहे हैं, स्पेशली एजुकेशन में बहुत ज़्यादा भी ज़रूरी है हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो और एनजीओज के लिए क्या मैम? वेल, मैं ये कहूँगी कि मैं काफ़ी सारे एनजीओज के साथ खुद जुड़ी हुई हूँ बिकॉज मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं खुद चेयरपर्सन हूँ, करंट रेनिंग चेयरपर्सन, लेडी क्वीन ऑफ बेस्ट फ्रेंड फिलान्थ्रोफिक क्लब, और वहाँ भी हम और विमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड एडुकेशन को लेके ही काम करते हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं ये है हमारा नॉट ओनली आर प्रेजेंट, आर फ्यूचर ऑल्सो। तो अगर अपने फ्यूचर, अपनी रीढ़ की हड्डी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो ये इतना देखो कि हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान और हाथ में एक पेंसिल हो। ये मेरी भी आशा है कि हम सब थोड़ा भी, अगर हम तिनका भी मदद करते हैं ना, तो वो तिनके तिनके से सागर बनता है। तो इसीलिए सब अगर थोड़ा थोड़ा करें तो कोई बच्चा ना भूखा सोएगा, ना बिना पढ़े सोएगा, ना किसी छत, और हर एक के सर पे छत होगी। तो बच्चों को अपना भविष्य समझो, अपनी रीढ़ की हड्डी समझो सोसाइटी की, और प्लीज़ उनकी मदद के लिए आगे आओ। खूबसूरत लेडी के लिए खूबसूरत अल्फाज उन्होंने कहा, वाकई एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।